वेल आइए कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम में मेरे सामने पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, उनकी पोजीशंस गिवन है और आपसे बोला गया कि इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कीजिए। अब कोलिनियर का क्या मतलब होता है जी? कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट्स, ए बी सी, कुछ कहीं भी हो सकते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स की पोजीशन मुझे गिवन है, उन पोजीशंस को कैसे लिखूंगा जी मैं? पॉइंट ए की पोजीशन को, जो कि मुझे नेगेटिव टू आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के गिवन है, पॉइंट बी की पोजीशन जो कि मेरे पास आई प्लस टू जे प्लस थ्री के गिवन है, और पॉइंट सी की पोजीशन मेरे पास सेवन आई माइनस के गिवन है। ठीक है, यानी माइनस टू आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के एंड सेवन आई माइनस के, ये मुझे तीन पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी। मुझे इन्हें कोलिनियर प्रूव करना है। आइए जी, पहले मैं वेक्टर ए बी, अगर मैं चलो इनको ए बी और सी ऐसे मेंशन कर देता हूं, तो पहले हमें वेक्टर ए बी निकाल लेना चाहिए जो कि ओ बी माइनस ओ ए करके मेरे पास आएगा जी। बी में से ए को माइनस कीजिए तो आपके पास आ जाएगा थ्री आई, इसमें से इसे माइनस कीजिए माइनस जे और माइनस टू के, ये मेरे पास वेक्टर ए बी आ गया जी। वेक्टर बी सी भी निकालिए जी, ओ सी माइनस ओ बी, यानी सी की पोजीशन में से बी की पोजीशन को माइनस कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास सिक्स आई, इसमें माइनस टू जे और दिस माइनस दिस यानी माइनस फोर के, सिक्स आई माइनस टू जे और माइनस फोर के। इसके बाद एसी भी निकाल लेता हूं जी, सी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस करता हूं जी, इसमें से इसे माइनस कीजिए नाइन आई और माइनस थ्री जे और दिस माइनस दिस यानी माइनस सिक्स के। ठीक है, नाइन आई माइनस थ्री जे माइनस सिक्स के, आपके पास वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी तीनों पता लग गए जी। ठीक है, अब इसको आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है जी। बताऊंगा जी क्यों निकालना। आपने वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला जो कि आपके पास आया नाइन वन और ये फोर रूट फोर्टीन। आपने बी सी का मैग्नीट्यूड निकाला 36 4 16 56 हो गया, 14 चौक 56 टू रूट 14। अब एसी का मैग्नीट्यूड भी निकालिए जो कि आपके पास आ जाएगा 81 प्लस 9 90 और ये 36 यानी 126, 14 निम 26 3 रूट 14। ठीक है, अब यहां देखें ए से बी तक ये रूट 14, ये दो बार रूट 14 और यहां से यहां तक तीन बार रूट 14, यानी आपको ए बी और बी सी को ऐड करके, ए बी और बी सी की लेंथ को मैं ऐड करके ए सी आ रहा है जी।
ऐसा तो केवल तभी आ सकता है जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो जाए। समझना मेरी बात को। यहां देखिए, ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। अगर ये पॉइंट सी कहीं ऊपर हो जाए तो क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे जी ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल में ऐसा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा जी, किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। अगर ऐसा सेटिस्फाइड हो रहा है, किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा जी। अब ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस केस में नहीं होगा जी? जब तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे। कोई पॉइंट जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि हेयर एबी का लेंथ, इसे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस बीसी का लेंथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। एबी और बीसी को ऐड करके एसी आ रहा है, तो आप इसी से डिक्लेयर कर दीजिए, सो एबीसी आर कोलिनियर। ठीक, तो इस तरीके से हमने एबीसी को कोलिनियर प्रूव कर दिया, किन्हीं दो साइड्स का सम लेकर के वो तीसरी के इक्वल आ रहा था, इसलिए हमने इन्हें कोलिनियर बोल दिया। आइए आगे एक क्वेश्चन और है, वो भी ऐसा ही है कुछ, उसमें भी हमें इन्हें कोलिनियर प्रूव करना है, ए बी और सी, उन्हें कोलिनियर प्रूव करना है। लेकिन बाद में एक पार्ट और भी है मेरे पास, और वो ये है कि बी पॉइंट ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यानी आपके पास ए गिवन है, आपके पास सी गिवन है, पहले तो आप इन्हें कोलिनियर प्रूव कीजिए, यानी एक ही लाइन में प्रूव कीजिए। उसके बाद बताइए कि जब ए बी सी एक ही लाइन में है तो पक्की बात है बी पॉइंट ए और सी को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। आपसे उस रेशो के बारे में भी मांगा गया कि रेशो भी बताइए जी। चलिए पहले कोलिनियर की बात करते हैं। तो कोलिनियर तो उसी तरह से मुझे प्रूव करना है जी, लेंथ मुझे निकालनी है, मुझे पहले वेक्टर ए बी, चलिए जी थोड़ा सा पहले के कंपेयर में फास्टली करते हैं, वेक्टर ए बी डायरेक्टली निकालता हूं मैं। उसके लिए मुझे बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस कर लेना चाहिए, यानी 5 में से इस 1 को माइनस करोगे तो 4i आ जाएगा, 0 माइनस 2 तो प्लस 2j आ जाएगा, और माइनस 2 माइनस 8 यानी प्लस 6k आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आया 4i, 2j और 6k। चलिए जी वेक्टर bc निकालने की कोशिश करता हूँ। c की पोजीशन में से b की पोजीशन को आप माइनस कीजिए, c में से b को माइनस कीजिए, 11 माइनस 5 6i आ जाएगा, 3 माइनस 0 3j आपके पास आ जाएगा, 7 प्लस 2 9k आपके पास आ जाएगा। ठीक, 9k आ गया। ac निकाल लीजिए, c की पोजीशन में से a की पोजीशन को माइनस कीजिए, bc को चेक कर लूं मैं, 6i 3j 9k राइट। अब c की पोजीशन में से 11 में से 1 10i आ गया आपके पास, 3 प्लस 2 5j हो गया, और 7 प्लस 8 15k हो गया। ये मेरे पास आ गए तीनों के तीनों वेक्टर्स। अब पिछली बार की तरह AB का मैग्नीट्यूड निकालिए, जो कि आपके पास 16, 4 और 36, 36, 4, 56 आ गया ना, तो 2√14 आ गया जी। BC का मैग्नीट्यूड वो मेरे पास आया 36 प्लस 9 प्लस 81 81 90 36 126 हो गया जी, 14 9 126, 3√14 हो गया जी। अब आइए जी AC का मैग्नीट्यूड भी निकालता हूँ जी, 100 25
एंड 225, 225, 250, 300, 350, ये आ गया 5√40, ठीक। तो नजर आने लग गया, इन दोनों को ऐड कर लूं तो ये आ गया जी मेरे पास, करेक्ट। तो आपके पास ए बी लेंथ और बी सी लेंथ को ऐड करके ए सी लेंथ आ गई जी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है जी। क्या डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। चलिए, तो पहला पार्ट तो ये हुआ जी, कोलिनियर तक आपने प्रूव करना था। उसके बाद आपसे पूछा कि फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। अब जब रेशियो कभी आपको निकालना हो तो आप क्या कीजिए, लैम्डा रेशियो वन मान के चलिए, यानी एक तरफ वन लीजिए, वन रेशियो लैम्डा ले लो या लैम्डा रेशियो वन ले लो, जिससे इस लैम्डा की वैल्यू बड़ी आसानी से निकालना संभव हो पाएगा जी। तो हमने क्या सपोज करना, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट, दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। लेट क्या बी डिवाइड करता है ए सी वैक्टर को इन द रेशियो लैम्डा रेशो वन, लैम्डा और वन के रेशो में डिवाइड करता है। तो जब लैम्डा और वन के रेशो में डिवाइड करता है तो बी आप देख रहे हैं इंटरनल पॉइंट है, ए और सी के बीच में कोई पॉइंट है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो तब इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगाता हूं, देन इस बी की पोजिशन किसके इक्वल, लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए इस सी की पोजीशन को, वन से मल्टीप्लाई कीजिए इस ए की पोजीशन को, यानी लैम्डा मल्टीप्लाइड विद ओ सी प्लस वन मल्टीप्लाइड विद ओ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस वन, ठीक है। अब देखिए जी, सबकी पोजीशन है मेरे पास, मेरे पास बी की पोजीशन है, ये रहा जी कितना 5i। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो B की पोजीशन आपके पास है, B की पोजीशन जो आपके पास है वो है 5i प्लस 0j माइनस 2k। अब लैम्डा से मल्टीप्लाई किया था आपने सी की पोजीशन को जो कि 11i प्लस 3j एंड प्लस 7k प्लस वन टाइम ए का पोजीशन 1i माइनस 2j एंड माइनस 8k डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस वन। बस अब लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं, आई वाली टर्म को आई से, जे वाली को जे से और के वाली को के से कंपेयर करके देखते हैं। देखिए जी, फाइव इधर आई का कोफिशिएंट, इधर आई का कोफिशिएंट 11 लैम्डा और ये प्लस वन डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस वन। सॉल्व करूं तो 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11 लैम्डा प्लस 1, इधर आ जाएगा तो नेगेटिव 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 2/3। दूसरा केस और भी चेक कर लेते हैं, जे वाली टर्म को चेक किया मैंने तो मेरे पास आ गया 3 लैम्डा और माइनस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, इससे भी मेरे पास लैम्डा का वैल्यू 2/3। तीसरा केस भी चेक करते हैं, माइनस टू
7 लैम्डा माइनस 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 क्योंकि नेगेटिव 2 लैम्डा नेगेटिव 2 7 लैम्डा माइनस 8 तो कितना आ गया जी माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6 तो लैम्डा इज 6 अपॉन 9 2 अपॉन 3 तो सब जगह से मेरे पास लैम्डा का वैल्यू 2 अपॉन 3 निकला है और ये निकलना भी चाहिए सेम निकलना चाहिए डिफरेंट नहीं आना चाहिए ठीक है। तो आइए जी बात करते हैं उस रेशो की जो उसने मांगा था जी कि किस रेशो में डिवाइड करता है। रेशो हमारे पास था लैम्डा रेशो 1 यानी 2/3 रेशो 1 जिसको हम लिख सकते हैं 2:3। तो हमने डिक्लेयर किया कि वो जो पॉइंट बी था जो ए और सी के बीच में प्रेजेंट था मेरे पास उसने इसको 2/3 के रेशो में डिवाइड कर दिया। पॉइंट बी डिवाइड ए बी इन द रेशो 2:3 इज इट ओके राइट। इस सेक्शन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।